अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डायबिटिक सीरीज़ में मिक्स दाल डोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है ये वाइट राइस, इडली राइस है ये, और ये ग्रीन मूंग है, ये मसूर की दाल है, चने की दाल है, और ये उड़द की दाल है। सारे मैंने 30 ग्राम्स लिए हैं। ये 1/4 का कप है, इसमें 60 ग्राम्स होता है, तो इसका आधा 30 ग्राम्स हो जाता है। अगर आपके पास ब्लैक स्किन वाली नहीं है तो ये प्लेन उड़द दाल भी ले सकते हैं। ये इडली राइस नहीं है तो नॉर्मल प्लेन राइस भी ले सकते हैं। ये राइस मैंने 150 ग्राम्स लिया है और सारी दालें 30 ग्राम्स लिया है। वाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 73, प्लस और माइनस फोर वैल्यू डिपेंड करती है आप कहाँ पर रहते हैं, मेल या फीमेल है, और आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप सेडेंटरी है या फिर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है चना दाल। चना दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सब में कम होता है, वो 8 है। और मूंग दाल, ग्रीन मूंग दाल एक हेल्दीएस्ट दाल है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 38 है। और मसूर दाल का 25 है, और उड़द दाल का 43 है। ये वाइट राइस को मैंने लिया है 150 ग्राम्स और सारी दालों को मैंने लिया है 30 ग्राम्स। ये जो भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये सब 30 ग्राम्स दाल का है। हम इन सब का अगर टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 187। तो जो क्वांटिटी हमने ली है उसमें 20 डोसे आसानी से बन जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, 187 को 20 से डिवाइड कर लूँगी। तो हमें आंसर मिलता है 9.3, जो अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है। यानी कि अगर हम दो से भी खाते हैं तो इसका हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिलता है 20। इसको अगर हम 1 कप राइस से कंपेयर करेंगे तो 1 कप राइस का होता है 73। तो 73 बहुत ज़्यादा है और ये 20 बहुत कम है, ये एक हेल्दी चॉइस है। चावल को और सारी दालों को वॉश कर भिगो कर रखना है। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं या फिर मिनिमम 5 घंटे तो इसको भिगा कर रखना है। इसके बाद हम एक ग्राइंडर के जार में 1 इंच अदरक का पीस ऐड कर लेंगे और 2 ग्रीन चिलीस ऐड किया है मैंने। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा लगता है तो थोड़ी और ग्रीन चिली आप ऐड कर सकते हैं। इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। अगर इसमें पानी लगा तो जो हमने दाल भिगोया है वही पानी यूज़ कर इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसे बिल्कुल फाइन ग्राइंड करना है, ये इस तरह का बिल्कुल फाइन ग्राइंड हो जाता है। इसको मैंने स्मॉल क्वांटिटी में पीस का निकाल लिया है। हम इसको स्मॉल क्वांटिटी में ही ग्राइंडर के जार में पीस लेंगे, सारा एक साथ नहीं पीसेंगे क्योंकि ये धरधरा रह जाएगा। सबको पीसने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल डोसे के बैटर की तरह करना है, इसे सेमी सॉलिड होना चाहिए। और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा नमक ऐड कर टेस्ट एडजस्ट कर लेंगे। सारा नमक एक साथ नहीं ऐड करना है, ये बहुत जल्दी खारा हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी दालें हैं। और इसको हम फर्मेंट नहीं करेंगे जैसे नॉर्मल डोसे को करते हैं, इसको हम चमचे से इसी तरह मिक्स करते रहेंगे 5 मिनट तक, ताकि इसमें थोड़ा सा एरिएशन आ जाए। मैंने इसको इसी तरह 5 मिनट तक मिक्स कर लिया है। इसको आप नॉर्मल नॉनस्टिक पैन पर भी बना सकते हैं या फिर ये लोहे के कास्ट आयरन स्किलेट पर भी बना सकते हैं। मैं इसको लोहे के पैन पर बना रही हूँ, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। हम इसको इसी तरह डोसे के बैटर की तरह पैन पर डालेंगे और हल्के हाथ से इसको स्प्रेड कर लेंगे। इसको पकने में 2 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लगता है, जिस तरह नॉर्मल डोसा बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। जब इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर का होने लगे तब इसके ऊपर ऑयल ऐड करना है और इसको केयरफुली फ्लिप कर लेना है। ये मैंने लोहे का तवा लिया है तो ये नीचे से चिपक जाएगा, तो मैं इसको हल्के हाथ से निकाल लूँगी। अगर नॉनस्टिक का पैन होता तो फटाफट निकल जाता। नॉर्मल डोसे से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको लोहे के तवे पर बनाने से ये थोड़ा सा चिपक जाता है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैंने लोहे के तवे पर बनाया है। आप इसको केयरफुली फ्लिप कर लेना। अगर नॉनस्टिक के पैन पर बनाएंगे तो बहुत जल्दी फ्लिप हो जाएगा, लेकिन लोहे के तवे पर इसका फ्लेवर अच्छा रहता है।
इसको बस एक ही साइड गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। मैं एक नॉर्मल चटनी बना रही हूँ, इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर की हुई है। मैं इसके साथ इसमें पीनट्स, फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिल्लीस, अदरक और थोड़ा सा नमक ऐड कर इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसके बाद इसका एक तड़का बना लूँगी। आप ये डोसे के साथ कोई भी चटनी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं कोकोनट की चटनी बना रही हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, और डायबिटिक लोगों के लिए तो ये एक हेल्दी रेसिपी साबित होगी। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।